हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसे ही हम MBBS एब्रोड के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल या क्वेश्चन मार्क आता है वो है कि कौन सी इंस्टीट्यूट, कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कॉलेज एब्रोड में, विदेश में होगी कि जो 18 नवंबर 2021 NMC की जो गाइडलाइन या फिर गैजेट या फिर रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स 100% तक फुलफिल करती होगी। सो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ वो है ग्रोदनो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ग्रोदनो बेलारूस, जो सिर्फ 100% नहीं बट मोर देन 200% NMC की जितनी भी गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स है वो फॉलो करती है। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एज पर दैट NMC की गाइडलाइन वर्सेस ग्रोदनो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ग्रोदनो बेलारूस का रिटन फॉर्म, नॉट ओनली बट ऑल्सो मैंने खुद उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की एंड वो ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो NMC के है या फिर जो NMC की गाइडलाइन है वो फुलफिल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस जो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मैंने NMC गाइडलाइन या रूल्स एंड रेगुलेशन या गैजेट के बारे में उनको पूछा और उनके जो आंसर्स आए हैं वो डेफिनेटली प्रूव करते हैं कि द ओनली इंस्टीट्यूट, ओनली कॉलेज, ओनली यूनिवर्सिटी जो है वो ये सारी गाइडलाइन फॉलो कर रही है। सो सबसे पहला क्वेश्चन उनको पूछा गया कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी फॉर इंडियन सिटीजन इन GRSMU ग्रोदनो बेलारूस, यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी कंट्री में पढ़ने आना चाहती है उसके लिए MBBS का स्टडी का कंप्लीट ड्यूरेशन क्या है। सो आंसर है उनका जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 6 years इंक्लूडिंग थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल रोटेशन प्लस वर्क एक्सपीरियंस, क्लिनिकल प्रैक्टिस प्लस प्री ग्रेजुएट इंटर्नशिप, यानी कि 5 साल का आपका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज होगा प्लस 1 साल की इंटर्नशिप या फिर क्लर्कशिप जो NMC की गाइडलाइन पे लिखा हुआ है, एज पर दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट 4.5 प्लस 1 साल की इंटर्नशिप आपको वहां पे ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन बेलारूस फॉर बेलारशियन स्टूडेंट्स, यानी कि उनके नागरिक के लिए, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या ड्यूरेशन है। तो आंसर है उनका जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 6 year एज वेल, यानी कि सेम है जो इंडियन सिटीजन के लिए है वैसे ही सेम जो है ऑफकोर्स बेलारशियन उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिटीजन है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उनको हमने पूछा कि हाउ मेनी मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप और क्लिनिकल क्रैकशिप आर अवेलेबल इन GRSMU, यानी कि कितने महीने की हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको आप इंटर्नशिप करवाएंगे या फिर अवेलेबल है आपके पास क्लिनिकल क्लर्कशिप। सो एज पर द NMC गाइडलाइन 1 साल 12 महीने की इंटर्नशिप आपको वहां पे करनी है। तो यहां पे आंसर में भी वही लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ द प्री ग्रेजुएट इंटर्नशिप इज 1 year 12 month, यानी कि 11th और 12th semester, यानी कि 5th year के बाद का जो 11th और 12th semester है वो कम्प्लीटली इंटर्नशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनको पूछा गया वो है, फॉर इंटर्नशिप Does GRSMU have own hospital, clinics and diagnostic center? यानी कि NMC की गाइडलाइन है कि जिस जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे उसी इंस्टीट्यूट की हॉस्पिटल जो होती है वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी है 1 साल की। तो यहाँ पे आंसर उनका है यस, 25 hospitals बेस इंक्लूड अ लार्ज यूनिवर्सिटी क्लिनिक एंड 2 well-equipped simulating centers। तो मैं आपको अगर सिंपली भाषा में बताऊँ तो ओनली इंस्टीट्यूट इन बेलारूस की जिनके पास खुद की अपनी 25 hospitals है। इसके अलावा 2 ऐसे सेंटर्स जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिकल सीख सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, और ऐसे जो कहते हैं ना सिमुलेटिंग सेंटर्स वो भारत देश में सिर्फ एक ही जगह पे अवेलेबल है, वो है DY पाटिल। सो जहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इवन सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, कैसे डिलीवरी होती है वो सारी चीज़ें रोबोटिक वे में अच्छे से सीख सकते हैं। रियल प्रिपरेशन, रियल डेड बॉडी, रियल पेशेंट तो है ही, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस, यानी कि जो बहुत ये सेंटर बनाना बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए भारत देश में सिर्फ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनको पूछा गया जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, GRSMU एंटायर कोर्स एंड इंटर्नशिप एंड और वी कैन से क्लिनिकल क्लर्कशिप अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम, यानी कि 4.5 साल प्लस 1 year जो NMC ने बताया, और यहाँ पे GRSMU में ग्रोदनो स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी बेलारूस में आपका 5 साल प्लस 1 year, क्या सब कुछ आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं? साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा गया उनको कि इन फैकल्टी ऑफ GRSMU, यानी कि जो फैकल्टीज ऑफ ग्रोदनो स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी है, क्या वो इंग्लिश भाषा में पढ़ाने के लिए कोई ट्रेन या सर्टिफाइड फैकल्टीज है? तो आइए स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि उनका आंसर है यस। सो फर्स्ट आंसर उन्होंने ये दिया कि एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर ऑल द एग्जाम्स, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल क्लासेस, सब कुछ इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे अवेलेबल है, एक्सेप्ट
जब आप पेशेंट के पास जाएंगे तब उनको आप लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स जब आप गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक का कोई भी राज्य में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको जो है जो पेशेंट के साथ बातचीत करनी होगी, यू कान टॉक विद देम इंग्लिश बिकॉज उनको इंग्लिश नहीं आती होती। बाकी एंटायर कोर्स जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश मीडियम है, जो रिटन फॉर्म में उन्होंने आंसर दिया है। नेक्स्ट, उनके जो लेक्चरर है, टीचर्स है, उनको स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, आईएलटीएस जैसी एग्जाम्स के 4 स्टेप्स क्लियर करने होते हैं और फिर उसके बाद ही वो फैकल्टी के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। सो सर्टिफाइड एंड ट्रेंड स्टाफ है उनके पास इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए हमारे सभी इंडियंस फ्यूचर डॉक्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उनको वो है, इज जीआरएसएमयू सिलेबस कोर्स थियोरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इक्विवेलेंट टू इंडिया एमबीबीएस एज पर द शेड्यूल 1 इन गैजेट बाय एनएमसी। तो आप सभी को पता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने बताया कि 4.5 साल की स्टडी प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, उसमें क्या पढ़ना है, क्या प्रैक्टिकल स्किल होनी चाहिए, क्या थ्योरी पढ़ना है आपको, क्या क्या सीख के आना है, तो वो सारी चीज़ें शेड्यूल 1 ग्रोथ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या फॉलो करी। तो उन्होंने क्लियरली बताया कि एंटायर करिकुलम ऑफ 6 ईयर्स जो है सिर्फ उतना ही फॉलो नहीं करिए जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि टोटल अवर्स ऑफ स्टडी 13,000 अवर्स हो रहे हैं। कितने अवर्स प्रैक्टिकल में, कितने अवर्स इंटर्नशिप में जा रहे हैं, कितने अवर्स एग्जाम्स में, वो फुल्ली लोडेड इंफॉर्मेशन जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एज पर द एनएमसी गाइडलाइन अगर बताऊँ मैं आपको तो इंडिया में सिर्फ 9,000 समथिंग अवर्स ही पढ़ाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है मोर देन दैट एनएमसी की गाइडलाइन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने जीआरएसएमयू के ऑफिशियल्स को पूछा वो है, इस 12 मंथ इंटर्नशिप क्लिनिकल क्रैकशिप करिकुलम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सिमिलर इन जीआरएसएमयू एज पर द शेड्यूल 1, यानी कि जो इंडिया में पढ़ाई होती है, जिस वे में पढ़ाई होती है, शेड्यूल 1 में जो लिख के दिया एनएमसी ने, क्या एज पर दैट आप इंडियन सिटीजन को पढ़ाते हैं? तो यहाँ पे क्लियरली आंसर दिया गया कि यस, एंड वो पूरा जो स्किल या प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज आपको कितना आवर्स कैसे देते हैं दैट्स ऑल्सो मेंशन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है जो हमने जीआरएसएमयू के ऑफिशियल्स को पूछा कि डज एनी इंडियन स्टूडेंट्स गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, या कोई ऐसी कोई सिस्टम है कि जहां पे मींस उनको रजिस्ट्रेशन करवाना, जैसे इंडिया में हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है हमें, तो वहां पे ऐसी कोई जरूरत है? तो यहां पे आंसर है नो, कोई भी एडिशनल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। स्टूडेंट्स जो है वो जैसे ही कंप्लीट करते हैं उनको जो डिग्री मिलती है वही रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होता है, और वो लाइसेंस के बेस पे वो बेलारूस में कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में जाके काम कर सकते हैं, जो आप स्क्रीन के ऊपर उनका आंसर ऑफिशियल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनको पूछा कि इज एंटायर कोर्स एंड इंटर्नशिप क्लैकशिप करिकुलम प्रोवाइड एट द ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट और एनी अदर अथॉरिटी, यानी कि एनएमसी ने यह बताया था कि जो भी शेड्यूल 1 को फॉलो करें, यानी कि हमने जो बोला है वो पढ़ा रहे अगर आप, तो ये पूरा करिकुलम जो है, पूरा जो सिलेबस है वो अवेलेबल होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, और आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप कि ये सारा सिलेबस जो है उनके उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनको पूछा गया वो है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द स्टडी Does university provide document for the entire course internship for the Indian students or to the Indian students? यानी कि जो study करने जा रहे हैं, NMC ने बताया कि भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, फोर एंड हाफ ईयर, यहाँ पे 5 years हो रहे हैं प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, यहाँ पे ये स्किल आपको डेवलप करनी है, तो क्या ये डॉक्यूमेंट वाइज आप प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें? तो उन्होंने बोला येस, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, जो आप स्क्रीन के ऊपर उनका आंसर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर गेटिंग द डिग्री फ्रॉम द ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी Do Indian students need to pass any final or license exam? तो answer है yes, they must pass final exam जो 3 subjects की होती है, जो लिखा गया है, internal disease, surgery disease, obstetric and gynecology. जो guys India में भी final exam होती है और students को clear करनी होती है इन सभी subjects में। Next उनको question पूछा गया कि before getting to the degree means Grodno State Medical University से आपके जो Belarusian students है अगर वो पास करते तो उनको भी क्या कोई फाइनल एग्जाम देनी होती? तो यहाँ पे आंसर है यस, तो उनको भी सेम एज इंडियन स्टूडेंट्स ही एग्जाम देनी होती है, 3 सब्जेक्ट्स जो लिखे गए जो स्क्रीन के ऊपर आंसर दे रहे। सो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि जो एनएमसी गाइडलाइन, एनएमसी गैजेट, रूल्स, रेगुलेशन अगर कोई इंस्टीट्यूट फुलफिल कर रही है 100%, तो आपने देखा कि दैट्स ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ग्रोदनो बेलारूस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी तक की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स पास आउट दैट्स 447,
ऑल आर 100% पास, यानी कि विथ 100% पासिंग रेशियो, यानी कि फाइनल एग्जाम वो क्रैक कर चुके हैं, और उसमें से अगर कोई भी स्टूडेंट्स अभी जाके बेलारूस की कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके काम करना चाहते हैं, उनके पास जो डिग्री है वो जाके काम कर सकते हैं, यानी कि ऑफिशियली लाइसेंस है उनके पास। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश मीडियम में है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 5+1 ईयर 6 ईयर इंटर्नशिप के साथ है। देन ऑल द करिकुलम जो है वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो ओनली इंस्टीट्यूट जिन्होंने ये रिटर्न फॉर्म में जो है वो प्रूफ किया है कि दे आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स, ऑल द पॉइंट्स या फिर नॉर्म्स जो NMC ने पब्लिश किए। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स अगर किसी इंस्टीट्यूट से फर्स्ट टाइम है FMG यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास हुए तो दैट्स अ ग्रोथ बूस्ट एट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लोएस्ट रिजल्ट अभी तक का 79% और मैक्सिमम रिजल्ट जो है 94% है, और वो सारी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। नॉट ओनली 58 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडी ही USMLE स्टेप 1 स्टेप 2 जैसी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। 29 स्टूडेंट्स जो है ड्यूरिंग स्टडी प्लैब 1 प्लैब 2 जैसी एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं। 42 स्टूडेंट्स जो है वो जर्मन एग्जाम्स एंड द 29 स्टूडेंट्स अमंग देम जो है लाइसेंस एग्जाम देके जर्मनी सेटल डाउन हो चुके हैं। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 119 है जिन्होंने नीट PG क्लियर कर चुकी है यहाँ पे इंडिया में FMG एग्जाम देने के बाद, एंड दे आर वर्किंग एज अ डॉक्टर आफ्टर PG। सो अगर आप इस डॉक्टर के और सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो विजिट अवर YouTube चैनल, ऑफ कोर्स विजिट अवर वेबसाइट एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ यू रियली वांट टू गेट एडमिशन इन ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ग्रोदनो बेलारूस यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच।